डीएमके के सांसद दयानिधि के बयानबाजी पर सियासी पारा चढ़ चुका है। बता दें कि दयानिधि ने यूपी और बिहार को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में यूपी बिहार के लोग सड़क शौचालय साफ करते हैं। वहीं इस बयान के बाद से ही प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष के नेताओं ने इंडिया गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दयानिधि के बयान पर हमला बोला। सबसे पहले गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर लालू और नीतीश को घेरा। वहीं मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि डीएमके कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस और डीएमके की भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। देखिए, डीएमके कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस और डीएमके की भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। अगर बिहार के लोग कहीं जाते हैं, चाहे तमिलनाडु जाएं, कर्नाटक जाएं, वो स्वाभिमान के साथ अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और स्वाभिमान के साथ मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है, और उस राज्य के विकास में वो अपना योगदान देते हैं। ऐसी भाषा बोल करके देश को अपमानित करने का काम डीएमके कर रहा, पहले भी किया। सनातन को खत्म करने की बात कहा, अब मजदूरों पे प्रहार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, और राहुल गांधी आनंद लेते हैं ये सब सुनकर। वहीं औरंगाबाद के हसपुरा में देवी मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा मांस टांग देने के विवाद पर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में लगातार उन्माद फैलाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार मौन साधे रहती है। अभी औरंगाबाद के हसपुरा में देवी मंदिर में गौ मांस टांग दिया गया, वहाँ पहले भी इस तरह की घटना होती रहती है। जब ये औरंगाबाद जिले के हसपुरा में ये घटनाएं घटी, इसके पहले भी घटी थी। ये एक तरह से वहां गौमांस टांग देना मंदिरों में, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं थ्रेटनिंग दे रहा हूं, अब यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, इस्लामिक कानून चलेगा, क्योंकि यहाँ तो नीतीश कुमार लालू जी का राज है और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। मैं तो कहता हूँ, सरकार अगर उस गांव में कार्रवाई करे जहाँ के लोगों ने किया है, वहाँ मालूम हुआ है कि रोहिंग्या आकर के बसा हुआ है और धीरे धीरे रोहिंग्या को बसाने का काम कर रहे हैं। ये बिहार के अंदर उन्माद फैलाने वाले को ये नीतीश की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? गिरिराज सिंह ने सवाल किया कि बिहार के अंदर उन्माद फैलाने वालों पर नीतीश कुमार की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? मस्जिद में अगर सुअर का मांस टांग दिया जाता है तो अब तक बवाल हो जाता, लेकिन वहां लगातार घटना होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मस्जिद में अगर मांस टांग दिया जाता है तो पॉलिटिकल टूरिस्ट स्थल बन जाता। पंजाब के सी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।